अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू नौशीस किचन। आज मैं आपके साथ केक की रेसिपी शेयर करूंगी जो हम विदाउट बेकिंग बनाएंगे। हर किसी ने बचपन में ये केक ज़रूर खाया होगा, इसे हम कोल्ड केक भी कहते थे। तो चलें आज मैं आपके साथ नो बेक केक की रेसिपी शेयर करती हूँ। उम्मीद है आपको अच्छी लगेगी। मेरे पास डाइजेस्टिव बिस्किट्स हैं जो कि मैंने तकरीबन 2 पैकेट्स लिए हुए हैं 600 ग्राम्स के बराबर, और इसको हमने थोड़ा सा मोटे मोटे रफली हम इसको कट करके रख देंगे। अब एक कुकिंग पैन में आपने कोको पाउडर लेना है 3/4 कप, ये आप ज़रूर छान के डालिएगा इसमें। साथ ही शुगर हम ऐड करेंगे इसमें 1 कप, और पानी हम ऐड करेंगे 1/4 कप के बराबर, यानी कि 1 कप एंड 1/4 कप। और अब हमने इसको एक बॉईल लेके आना है, बॉईल करेंगे इसको हम। देखिए थिक होना भी शुरू हो गया है और मिक्सचर भी बहुत अच्छे से मिक्स हो गया है। अब आपने इसमें 1 पिंच सॉल्ट ऐड करना है जिससे कि स्वीट का फ्लेवर बहुत अच्छे से बन जाता है, और वनीला एसेंस ऐड करेंगे हम 1 टीस्पून। बस अब इसको आपने थोड़ा सा मिक्स करना है, और 100 ग्राम्स बटर इसमें मैं ऐड करूँगी, और अच्छी तरह से मिक्स करके इसको हम मेल्ट करेंगे। अब मीडियम हीट के ऊपर आपने इसको 2 to 3 मिनट्स तक कुक करना है। अब इसे आपने कम से कम 1 घंटा फ्रिज में रखना है, 2 घंटा भी रख सकते हैं। और अब हम एक गनाश तैयार करते हैं जिसमें 200 ग्राम्स चॉकलेट है मेरे पास, कोई भी चॉकलेट आप ले लीजिए, छोटे छोटे पीसेस, और क्रीम हम इसके ऊपर डालेंगे 150 ml। एक पैकेट से थोड़ा सा कम क्रीम है मेरे पास, और इसको माइक्रोवेव करेंगे 1 मिनट के लिए, गर्म करेंगे, और ये देखें बिल्कुल ज़बरदस्त सी सबसे ईजी वाली गनाश मैंने आपको बताई है। इसके बाद फिर इसको थोड़ा सा आपने फ्रिज के अंदर रख देना है, और जब ठंडा हो जाए फिर इसको अब आपने कट कर देना है, और हमारा केक बिल्कुल तैयार है, कोल्ड केक। उम्मीद है आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी। अल्लाह हाफिज़।